वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी एकेडमी। बिहार बोर्ड के क्लास नाइन्थ का यह बुक है पनोरमा पार्ट वन। इसके अंतर्गत हम आज लेकर उपस्थित हुए हैं अ साइलेंट रिवॉल्यूशन। अ साइलेंट रिवॉल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है उसको हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे ताकि सबको याद भी हो जाए। यदि आप इसको सुन भी लेते हैं तो आपको याद होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। अ साइलेंट रिवॉल्यूशन, एक मूक क्रांति या एक मौन क्रांति। इसमें सबसे पहला जो वर्ड है जिसको बोलते हैं कंसीव्ड, CONCEIVED। कंसीव्ड मतलब होता है कल्पना करना, सोचना, कल्पना करना या सोचना, ठीक है। उसके बाद होता है अल्फा न्यूमेरिक यानी शब्द और अंक का संयोग। यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल। गेटवेज, गेटवेज मतलब होता है द्वार। आगे हैं कंजेशन, कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मतलब होता है वफादार, फेथफुल। उसके बाद है कॉन्वे, कॉन्वे मीन्स होता है देना, भेजना, डेलीगेट करना, डेलीगेट। सिमुलटेनियस, सिमुलटेनियस का मतलब होता है लगातार या कंटिन्यूअस। इंस्टेंट मतलब तत्काल, इमिडिएटली। विस्टा, विस्टा मतलब होता है वृक्ष के पंक्तियों के बीच एक संकरा रास्ता होता मार्ग। डेटरमिस होता है रोकना, डेटरमिस क्या होता है रोकना। एंथुसियास्ट, एंथुसियास्ट मिस होता है उत्साही, ब्रेव या सरगर्म। सेलुलर मिस होता है कोशिका। उसके बाद है ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मिस होता है सट्टेबाज, शेयरों के क्रेता विक्रेता। पोटेंशियल यानी संभावित, पोटेंशियल में संभावित है प्रोबेबल, सशक्त या संभावना। उसके बाद है इनिशियली यानी शुरू में, एट द बिगनिंग। पाई, पाई में होता है गड़बड़, समोसा या कचौड़ी भी होता है। उसके बाद होता है बियोड में तैरते रखना या प्रोत्साहित करना, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड में होता है प्रारूपित, फॉर्मेटेड यानी प्रारूपित। किन यानी उत्सुक। मोर्टायर्स में होता है शहीद। उसके बाद है ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट में होता है श्रद्धांजलि। साइलेंट रिवॉल्यूशन का जो मुख्य जो वर्ड्स मीनिंग था वो तो समाप्त हो गया है। अब हम यहाँ पर चैप्टर फोर का वर्ड मीनिंग ले लेते हैं। टू मेनी पीपल, टू फ्यू ट्रीज, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत कम पेड़। यहाँ पर है आपका इंटर डिसिप्लिनेरियर मतलब होता है अंतः विषयक। उसके बाद है फ्लक्स, फ्लक्स में होता है निरंतर परिवर्तन। उसके बाद है थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है हर जगह। एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व। स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स होता है थोड़ा, स्लाइटली मीन्स क्या होता है थोड़ा थोड़ा या साधारणतः होता है। उसके बाद है कंसिक्वेंटली यानी फलस्वरूप, इसलिए। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। स्पाइसेज मीन्स होता है विशिष्ट जाति या मानव समुदाय। इंस्टेंट मीन्स होता है साधन, इंस्टेंस मिस होता है साधन, इंस्टेंट मिस होता है तुरंत क्षण। उसके बाद है सोबरिंग, सोबरिंग का मतलब होता है विचारणीय बुद्धिमत्ता। उसके बाद है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब होता है सफलता, दरार या छेद, ठीक है। उसके बाद है इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट का मतलब होता है पारिस्थितिकी विज्ञानी। उसके बाद होता है इवेंचुअल यानी आखिरकार। अब होता है वैनिश, वैनिश का मतलब होता है लुप्त हो जाना। इरोड, इरोड में होता है नष्ट करना, होना या क्षय होना। टेंटामाउंट, टेंटामाउंट का मतलब होता है एक एडजेक्टिव है, समानार्थक या आवश्यक। उसके बाद है एक्सासर्बेट, एक्सासर्बेट यानी तेजी लाना, वृद्धि करना। एथेनिक में होता है जातीय। कॉन्फ्लिक्ट में होता है संघर्ष। वारफेयर में होता है युद्ध। एस्टिमेट में होता है आकलन और अनुमान। उसके बाद है एग्रावेटेड, एग्रावेटेड मीन्स होता है बढ़े हुए, भड़काना या बिगाड़ना। उसके आगे है इंसिडेंस यानी घटना या संयोग। वर्स, वर्स मीन्स होता है और भी बुरा। कंसाइडरेबली मीन्स होता है काफ़ी हद तक, बड़े पैमाने पर। उसके बाद है डिप्लेशन, डिप्रेशन मीन्स होता है हरास, रिक्तिकरण या खाली करना। उसके बाद है हेलियम, हेलियम मीन्स होता है केमिकल एलिमेंट। हेलियम, हीलियम एक केमिकल एलिमेंट है यानी रासायनिक तत्व है, इसका मीनिंग नहीं होता, इसका हीलियम नाम ही है। उसके बाद है कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स होता है खपत, उपभोग, क्षय, सेवन। स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव या दबाव।
अगला चैप्टर है इको एंड नर्सिसस। इको एंड नर्सिसस, इसका इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इसका है माइथ, माइथ में होता है पौराणिक, उसके बाद है माइथोलॉजी यानी पौराणिक कथा। PIEC पीस में होता है कृति, रचना या टुकड़ा। PESE पीस में शांति होता है। रेंडर्ड, रेंडर्ड मीन्स गाया, रेंडर्ड मीन्स गाया। कैरिड, कैरिड मीन्स किया। वन सेल्फ स्वयं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग। मोमेंट क्षण। रिम्ड, REAM, रिम्ड मीन्स होता है घूमना। कंपेनियंस, COMPANIONS, कंपेनियंस मीन्स होता है साथी। एस्पाइड मीन्स होता है जासूसी। वॉचफुल यानी चौकन्ना। निम्फ यानी अप्सरा। चार्टरर मीन्स गप्पी। पासर बाई यानी राहगीर, रास्ते में चलते हैं उनको राहगीर कहा जाता है या राही कहा जाता है। डिटेंड, हिरासत में लिया। कैजुअल टॉक्स यानी आकस्मिक बातचीत। स्टम्बलिंग मिस ठोकर। इलिसिट मिस अवैध। एनॉयड मिस नाराज होना। उसके बाद है अनफॉर्चुनेट मिस होता है दुर्भाग्य। और ट्रेमलिंग मिस होता है हिलता हुआ। गेज मिस होता है निगाहें या निहारना। उसके बाद है रियलाइज, रियलाइज मिस होता है एहसास हुआ। पैनिक मिस घबराहट। माई स्टिफिड माइस्टिफाइड मिस होता है चक्कर। कन्विंस्ड मिस होता है आश्वस्त, कन्विंस्ड मिस आश्वस्त। एवॉइडिंग बचना। एंड्रॉयड आदमी के समान, एंड्रॉयड जो फ़ोन होता है वो आदमी के समान काम करता है, इसको एंड्रॉयड कहते हैं। उसके बाद है मिस्टिफाइड बाई दिस रिप्लाई, इस उत्तर से चकित होना, ये फ्रेज है। उसके बाद है प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स होता है निवेदन। साइनेस शर्म। क्रिप्ट रेंगना। माइस्ट्री मीन्स होता है, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। रफली मोटे तौर पर। मॉकिंगली हंसी से। एम्बेरेस्ड मीन्स होता है शर्मिंदा। असेंड मीन्स लज्जा। हेड मीन्स छुपा दिया। विदर्ड मीन्स मुरझा गया। श्रंकेन सिकुड़ा हुआ। टाइनी मिस छोटा। इवेंचुअली अंत में। वैनिस्ट मिस गायब। ब्रूटली मिस होता है, ब्रूटली मिस होता है दो टूक। और ट्रेटेड मिस होता है इलाज। आगे है एस्कॉन्ड, एस्कॉन्ड मिस होता है अपमानित। डिटेन मिस होता है रोकना। स्टम्बलिंग ओपन एक फ्रेज है जिसको होता है ठोकर खा रहा है। स्टम्बलिंग ओपन मिस ठोकर खा रहा है। मास्टिफाई मिस रहस्यमय। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मिस हिलता हुआ या कांपना। एनेक्सियस मिस होता है चिंतित। और ब्रूटली मिस होता है निर्दयता पूर्वक या आक्रामक रूप से। अब यहाँ पर चैप्टर जो है 6 है, शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां। इस चैप्टर का हम वर्ड मीनिंग कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला है जेनेरिक नेम यानी सामान्य नाम। उसके बाद है रीडेड, रीडेड मीन्स होता है नरकट। ऑस्पिशियस यानी शुभ लाभ, ऑस्पिशियस शुभ लाभ या मंगल। उसके बाद है इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है अपरिहार्य। एंसेम्बल, एंसेम्बल मतलब होता है कलाकारों की टुकड़ी। सौवेनियर, सॉरी SOUVEN, सौवेनिर, सौवेनिर में से होता है प्रतीक चिन्ह। उसके बाद आता है सेलुलॉयड, सेलुलॉयड में से होता है फिल्मी दुनिया। वेंचर, वेंचर में का मतलब यहाँ पर दिया है प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, जो रिस्क पर खतरा भरा काम करता हो, खतरनाक, उसको हम लोग वेंचर कहते हैं या एडवेंचर कहते हैं, साहसिक। कोवेटेड, कोवेटेड में से होता है मच डिजायर्ड यानी अधिक लालसा। मेस्ट्रो, मेस्ट्रो में से होता है कलाकार। उसके बाद है एक्सीडिंगली में से होता है निहायत, अत्यंत, बहुतायत से। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड में से होता है लंबा। फनरल मिस अंतिम संस्कार। आगे है श्रिल, श्रिल में से होता है उकताने वाला, अनिमेष या तेज।
जेनेरिक सामान्य रीडेड में से बेत गन्ना, उसके बाद टोनल, टोनल में से तान वाला, होलो में से खोखला, ब्रोडर, ब्रोडर में से होता है व्यापक, मेलोडियस में से होता है मधुर, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित, ऑस्पिशियस यानी मंगल शुभ लाभ, स्टील यानी फिर भी, इंडिस्पेंसेबल में से होता है अपरिहार्य, कंपोनेंट यानी अंग, एंसेम्बल में से होता है कलाकारों के टुकड़े या पहनावा, टिल में से तक, उसके बाद होता है एस्टेट में जायदाद, उसके बाद होता है पैटर्नल यानी पैतृक, फैसिनेटेड में से होता है मोहित, मैटर्नल में से मामा, मैटर्नल अंकल में से मामा होता है, उसके बाद है कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड में से होता है मोहित, थ्रू आउट भर, अप्रेंटिस में से होता है शिक्षार्थी, हॉन्ट में शिकार, सोलिट्यूड में से होता है एकांत, इम्प्रोवाइज में से होता है सुधारणे, कंसाइडर्ड में से होता है विचार, बियॉन्ड में से होता है परे, एकॉम्पेनिस्ट में से होता है साथ, रेसिटाई में से होता है सुनना, पैटेड में से होता है पीठ थपथपाना, पैटेड पीठ थपथपाना, गेंड हासिल करना, ग्रीट स्वागत, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाग्य के साथ प्रयास करें, एब्रोड मिस होता है विदेश, फॉरेन मतलब ही विदेश होता है, प्रिंसलेस मिस अमूल्य, सॉरी प्राइसलेस मिस होता है अमूल्य, सौवेनिरिस मिस होता है स्मृति या प्रतीक चिन्ह, उसके बाद है फैसिनेटेड मिस प्रभावित, सेल्यूलॉइड मिस फिल्मी दुनिया, ग्लैमर चकाचौंध, इम्फोसिस मिस होता है जोर, रिकॉग्निशन मिस होता है पहचान, प्रेस्टिजियस मिस होता है प्रतिष्ठित, ऑडिटोरियम मिस होता है सभागार, कन्फेयर्ड मिस होता है समर्पित, कोवेटेड मिस होता है प्रतिष्ठित, ग्लिंटिंग मिस होता है झिलमिल, उसके बाद है रिचेस्ट ट्रेडिशन यानी समृद्ध परंपरा, फॉन्डली यानी प्यार से, फॉरबिड यानी मना, इफॉर्टलेसली मिस अनायास। तो साथियों यहाँ पर हमारे यह चैप्टर जो है यह समाप्त होता है, इसके आगे हमने वर्ड मीनिंग कलेक्शन नहीं किया है, तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरे बुक्स का ही यह कलेक्शन करके एक ही वीडियो बना दें। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।